आज छुट्टी का दिन है और गुल्ली और बुल्ली दोनों घर पे ही हैं। बुल्ली आराम से बैठे बैठे टीवी देख रहा है, वहीं गुल्ली कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेल रहा है। गुल्ली तो बहुत ज़्यादा गुस्से में गेम खेल रहा है, लगता है आज वो बहुत सारे किल करने वाला है और रिकॉर्ड बनाने वाला है। गुल्ली को गेम खेलते खेलते काफ़ी देर हो गई है, वहीं बुल्ली भी काफ़ी देर से टीवी देख रहा है। अब बुल्ली काफ़ी बोर हो चुका है, फिर बुल्ली टीवी बंद कर देता है और गुल्ली से कहता है, बुल्ली भाई मैं यार काफ़ी बोर हो चुका हूँ, चलो एक काम करते हैं, हम दोनों लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ कुछ देर बैठ के कुछ नई नई किताबें पढ़ेंगे। फिर गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई थोड़ी देर और रुक जाओ, दो चार बंदे और टपका दूँ, उसके बाद चलता हूँ। फिर बुल्ली कहता है, अरे भाई तुम कितनी देर से गेम खेल रहे हो और तुम कितनी देर तक गेम खेल लेते हो, तुम्हारी आंखें दर्द नहीं होती है? मैं तो थोड़ी देर लैपटॉप पे गेम खेल लूँ, मैं तो आंखें दर्द होने लगती है, इसलिए मैं तो गेम खेलता ही नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाके स्कूटर निकाल रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। ठीक है भाई, गुल्ली कहता है, भाई तुम बाहर तो पहुँचो, स्कूटर तो निकालो। तुम्हारे स्कूटर निकालने से पहले मैं बाहर पहुँच जाऊँगा, बस एक किल और करना है मुझे बस। इतना सुनने के बाद बुल्ली घर से बाहर निकल जाता है और अपना स्कूटर निकाल के मेन रोड पर आ जाता है। बुल्ली के बाहर खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई है, अब बुल्ली को गुस्सा आ जाता है और बुल्ली गुस्से में बोलता है, बुल्ली बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ तुझे, अभी सारे किल करवा दो आज ही तुझे, जल्दी आ जा। इतना सुनते ही बुल्ली अपना कंप्यूटर बंद करता है और तुरंत घर से बाहर आ जाता है। घर के बाहर आते ही बुल्ली गुल्ली से बोलता है, तुम्हें यार बिल्कुल भी चैन नहीं है, तुम्हें मैंने कितनी देर का बुलाया था और तुमने इतना टाइम लगा दिया, अब जल्दी से स्कूटर पे बैठो। इतना सुनते ही गुल्ली तुरंत स्कूटर पे बैठ जाता है और गुल्ली और बुल्ली लाइब्रेरी की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही गुल्ली और बुल्ली दोनों लाइब्रेरी के पास पहुंच जाते हैं, उसके बाद दोनों स्कूटर से उतरते हैं और लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं। जब वो लाइब्रेरी के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि पहले से ही कुछ लोग वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। देखने में ये लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इसमें बहुत ज़्यादा शांति भी है। ये देख के बुल्ली को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि बुल्ली को एक अच्छी लाइब्रेरी मिल गई है, लेकिन गुल्ली का दिमाग तो अभी भी वीडियो गेम में ही है। गुल्ली को यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया गया है क्योंकि गुल्ली का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो बुल्ली को मना भी नहीं कर सका। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और जाके टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों किताबें खोल के पढ़ने लगते हैं। बुल्ली अपनी किताबें पढ़ रहा है लेकिन गुल्ली इधर उधर देखे जा रहा है क्योंकि गुल्ली का बिल्कुल ही मन नहीं है किसी भी किताब को पढ़ने का। वो बाकी लोगों की तरफ देख रहा है और मन ही मन में सोच रहा है कि लोग इतनी देर तक पढ़ाई कैसे कर लेते हैं, मेरे से तो एक घंटे भी पढ़ाई नहीं की जाती और आज तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है किसी भी किताब को पढ़ने का। ये सब सोचते सोचते गुल्ली इधर उधर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद गुल्ली की नज़र एक किताब पे पड़ती है और ये किताब बहुत ही अजीबोगरीब थी। फिर गुल्ली वहाँ से उठता है और उस किताब के पास चला जाता है। किताब के पास आने के बाद वो सोचता है, अरे ये कैसी अजीब और गरीब किताब है, ये तो बहुत अलग किताब लग रही है, क्या पता इस किताब में कुछ मज़ेदार मिल जाए जिसे पढ़ के मुझे मज़ा आए। इतना सोचते वो इस किताब को उठा लेता है और जाके टेबल पे बैठ जाता है। टेबल पे बैठने के बाद गुल्ली इस किताब को छुपा लेता है क्योंकि गुल्ली को लगता है कि अगर वो इस किताब को यहाँ पर पढ़ेगा तो बुल्ली उससे इस किताब को छीन लेगा, इसलिए गुल्ली ने इस किताब को छुपा लिया है और वो छुपा के इस किताब को अपने घर लेके जाएगा
हाथ चुपके चुपके से पड़ेगा। अब गुल्ली टेबल पर रखी किताब को ही पढ़ रहा है। वहीं रिसेप्शन पे बैठे लाइब्रेरियन को भी नहीं पता है कि गुल्ली के पास ये किताब है। थोड़ी देर बाद बुल्ली गुल्ली को बाहर जाने के लिए इशारा कर देता है। बाहर आने के बाद गुल्ली और बुल्ली दोनों स्कूटर पर बैठ जाते हैं और वो घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अभी बुल्ली को नहीं पता चला है कि गुल्ली लाइब्रेरी में से एक किताब लेके आया है। और एक बात तो गुल्ली को भी नहीं पता कि ये कोई आम बुक नहीं है, ये एक हॉन्टेड बुक है। और इस हॉन्टेड बुक की वजह से एक शैतान भी इन दोनों के पीछे पीछे आ जाता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों अपने घर पे पहुंच जाते हैं और गुल्ली बुल्ली दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद बुल्ली तो बेड पे बैठ जाता है, लेकिन गुल्ली अंदर वाले कमरे में चला जाता है और उस हॉन्टेड किताब को अलमारी के अंदर रख देता है। और गुल्ली सोचता है कि जब बुल्ली सो जाएगा तो मैं चुपके से इस किताब को पढ़ूंगा और देखूंगा इस किताब में ऐसा क्या है। इतना सोचने के बाद गुल्ली इस वाले कमरे से बाहर निकलता है और बाहर वाले रूम में आके सोफे पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद गुल्ली और बुल्ली दोनों को नींद आ जाती है। बुल्ली तो बेड पे सोया हुआ है, वहीं गुल्ली सोफे पे लेटा है। थोड़ी देर बाद ही गुल्ली को कुछ अजीब गरीब सी आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ को सुनकर गुल्ली की आँख खुल जाती है। वो तुरंत सोफे से उठता है और अंदर वाले कमरे में चला जाता है। गुल्ली को लग रहा था कि ये आवाज़ अंदर वाले कमरे में से आ रही है, लेकिन वो जब कमरे में चारों तरफ देखता है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और बुल्ली अभी इस किताब को नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि बुल्ली अभी अभी सोया है और बुल्ली की आंखें खुल सकती है, इसलिए वो वापस कमरे की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी तो दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली के साथ और बुल्ली को इस हॉन्टेड किताब और गुल्ली के बारे में कैसे पता चलेगा, ये सब देखेंगे हम अगले पार्ट में। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अब जल्दी मिलते हैं एक अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।